Hello, 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 hello. Good evening, all of you. Welcome to Unacademy. Let's crack JEE. This is the one-stop solution to crack JEE and other foundation exams. So, आपको टीम नजर आ रही है लेट्स क्रैक जेई की जो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आती है हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड. ठीक है, आई एम जयेश रावत जो आपको मैथमेटिक्स के लिए मेंटर कर रहा हूँ. बाकी की रेस्पेक्टिव फैकल्टीज भी अपने अपने सब्जेक्ट्स में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. जस्ट स्टे कनेक्टेड विद इट, इसके साथ कनेक्ट रहिए और अपनी प्रिपरेशन को उतना ही स्ट्रांग बनाइए जितना आप चाहते हैं, जितना आपने सपनों को सपने सोच रखे ना उतनी रैंक लाने के लिए आपको यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है. ठीक है, सो 12 चैप्टर कर चुके हैं है ना, और 13 चैप्टर का मैंने कल इवनिंग में भी पार्ट वन करा लिया था. आज हम बात कर रहे हैं पार्ट टू की, दैट इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की. एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अब. ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2020 के लिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है. तो आप इसके साथ कनेक्ट रहिए और अपने देखो, अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देख रखे तो आप उनको भी एक बार देख लीजिए फटाफट से, ताकि आपको सभी से पता चल जाएगा कि इन चैप्टर से किस किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, तो मैं 12 चैप्टर करा चुका हूँ, मैं पूरी सीरीज ये कंटिन्यू करूँगा. ठीक है, तो मतलब ज़्यादा बचा भी नहीं है. ठीक है, एक और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बचा और इसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर बचा है. ठीक है, तो हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे. बट अभी तक जो 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं आप उनको पूरा देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो. ठीक है, सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज जयेश रावत. ठीक है, और बीटेक और एमटेक मेरी थापर से हुई है. ठीक है, 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे जेई एस्पिरेंट्स को मेंटर करते हुए, एंड करेंटली आई एम द फाउंडर ऑफ एक्सपोनेंशियल लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पहले देख लो कि यार दोनों ही लाइव प्लेटफॉर्म है, दोनों ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. बट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के और भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं. लाइक बच्चों को मेन इशू कहाँ पे आता है, ऑफलाइन कोचिंग की भी बात कर रहा हूँ, डाउट में सर डाउट्स हमारे क्लियर नहीं हो पाते, डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होते. तो यहाँ पर एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट क्लास. ठीक है, मोर ओवर इसके साथ साथ क्विजेज नहीं क्विजेज होती हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, आप खुद का असेसमेंट भी कर सकते हैं कि वेर यू स्टैंड, आपको कहाँ पर और टाइट हैंड करना है. ठीक है, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो स्टे कनेक्टेड विद इट, इसके साथ कनेक्ट रहिए और आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आइए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको वहाँ के पूरे बेनिफिट्स मिल जाए. साथ साथ जितने भी टॉप एडुकेटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सब के कोर्सेज जब भी लॉन्च होते हैं, ठीक है, जब भी जो भी वीडियोज आएगा इनका, आप इन सब को आराम से देख सकते हैं, इन सब के वीडियोस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इन सब के वीडियोस को भी आप रिकॉर्ड करके बाद में भी देख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आइए. ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आप अभी भी स्पेशल क्लासेस में नहीं आते हैं तो स्पेशल क्लासेस का ध्यान रखें. ठीक है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करने के बाद IIT JEE सेलेक्ट कर लें क्योंकि आप उसकी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो होगा क्या कि अनअकैडमी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर क्या स्मार्ट बोर्ड पढ़ाया जाता है एंड ऑल. तो बेटा एक बार स्पेशल क्लास करके देख लो, ये भी उसी प्लेटफॉर्म पे होती है. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म और इसका प्लेटफॉर्म सेम ही है, सेम तरीके की पढ़ाई होती है. ठीक है, तो ये फ्री है, वो पेड है, बस डिफरेंस इज दिस. तो आपको यहाँ से क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा. तो ये मेरे थ्रू कुछ स्पेशल क्लासेस नहीं हुई है, वैसे आप मुझे आगे फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं लिंक विंक सब बता रहा हूँ. ठीक है, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से, हियर इज द एडुकेटर, हियर इज द चैट, यहाँ पर कंटेंट है. ठीक है, आप इंटरेक्टिव पोस्ट जनरेट करते हो जस्ट लाइक मेंटी, मेंटी की तरह आप पोस्ट भी जनरेट कर एडुकेटर करते हैं. तो आप यहाँ पर भी लेटर बोर्ड, वेटर बोर्ड, आपकी कौन सी रैंक है, जितने भी बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट है, जो जो भी कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इससे कॉम्पिटिशन की फील भी आती है कि हाँ यार मैं अभी 3rd रैंक है आउट ऑफ 10, अभी 100 बच्चे देख रहे हैं, यार मेरी 43 रैंक है. तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा यहाँ से, है ना. एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो कहाँ पर भी, किसी भी, अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है तो बाद में पढ़िए रिकॉर्ड करके, डाउनलोड करके. दिस इज द मोस्ट बेस्ट बेनिफिशियल. ठीक है, बहुत अच्छी बेनिफिट है ये. ठीक है, सेकंड चीज, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस नाम से सर्च आउट करके आप मुझे फॉलो करें. ठीक है, फॉलो करने के बाद, ठीक है, आपको मेरे थ्रू जितनी भी सॉरी स्पेशल क्लासेस आने वाली है उन सबके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. ठीक है, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे बेटा ये अभी एक रनिंग कोर्स है. ठीक है, ये रनिंग कोर्स है और इसमें मैं क्लास 11th के जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, फेज 1 फेज 2 बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये खराब हो जाएगा तो पूरी मैथमेटिक्स खराब हो जाएगी. तो यहाँ पर बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का बिल्कुल खोल के. ठीक है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे हैं तो इनरोल कीजिए.
नहीं है तो आइए सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप 2021 में जेई देने वाले हैं, 2021 में जेई देने वाले हैं, ठीक है, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, अदरवाइज 2 ईयर का, 10th में तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। तो वैसे तो कॉस्ट ये है, बट ये कॉस्ट थोड़ी और भी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल सकती है, ठीक है, विच इज़ योर JY लाइव, मेरा रेफरल कोड है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इससे, इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 27,000 अब 1 ईयर का हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका 2 ईयर का 43,200 हो जाएगा। बहुत फायदेमंद है यार, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, 60 रुपीज़ पर डे 2 ईयर का, नॉट अ बिग डील, ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो फायदा उठाइए इसका, बहुत सारे एडुकेटर्स जिनकी कोचिंग आपको नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे पढ़ सकते हो। इस ऐप की बात करता हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप इसको प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से, ठीक है, IIT JEE सेलेक्ट कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद, IIT JEE सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, दिस इज द रेफरल कोड JY लाइव, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके चार्जेस पूरा, अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो डोंट वरी, आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन पर पूरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो फटाफट से चलिए रेडी हो जाइए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप कीजिए इसको। मैं टाइम भी गिन के दूंगा, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा सोचिए कि क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से करना है, कुछ खास नहीं है आपको। देखो, एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कंसेप्ट तो बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूले एंड कैलकुलेशन, ठीक है, दो ही चीज़ हैं यहाँ पे की फैक्टर, एक तो फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज योर कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले भी याद है बट आप कैलकुलेशन में भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर देते हैं, तो बेटा डामल डोल हो जाएगा और नैया डूब जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सटीक रखें, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये सब कुछ बहुत मैटर करेगा, ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन देखें कि क्या है, सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है, करिए आप करिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम बेस, एक सिलेंडर और एक कोन बना देते हैं, ठीक है, मान लो कि आपके पास ये सिलेंडर है ना, और सॉरी कोन है, क्या कर रहा हूँ, है ना, ये कौन है और ये सिलेंडर है, ठीक है, ये कौन है और ये सेम आर ऑफ द सेम बेस, ठीक है, ये सेम बेस पे है, ये भी रेडियस, ठीक है, सेम बेस रेडियस एंड द सेम हाइट, हाइट भी सेम है भाई, रेडियस भी सेम, ठीक है, ये भी आर और हाइट, इसकी वर्टिकल हाइट ये होती है, इसको स्लाइंट हाइट बोलते हैं, याद होगा आपको, ठीक है, और इसकी वर्टिकल हाइट भी एच है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब बात करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता भी होना चाहिए ना, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, वो हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इसकी बात करें पाई आर स्क्वायर एच होता है अगर आर रेडियस है और एच हाइट है तो, और इसमें कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है तो 1/3 πr² h, isn't it, ठीक है, पूरा से पूरा कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 3/1, तो दैट मींस योर रिजल्ट इज 3:1, योर आंसर इज 3:1, ठीक है, तो 3:1 इसका आंसर आएगा अगर आपके सिलेंडर और कोन की सेम, ठीक है, बेस रेडियस और हाइट सेम होगी तो उनकी वॉल्यूम का रेशो 3:1 होगा। बस क्या याद होना चाहिए था आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए था और कुछ भी याद नहीं होना चाहिए था, आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जस्ट डू इट, खुद से कीजिए एक बार, फिर मैं करवाता हूं आपको, क्या लिख रखा है देखिए थोड़ा सा ध्यान से, टू सिलेंड्रिकल केन्स हैव इक्वल बेस एरिया, मैं सिलेंड्रिकल केन की बेस एरिया इक्वल है, वन ऑफ द केन इज 15 सेंटीमीटर हाई, बस रेडियस दोनों की चेंज है, ठीक है, एक छोटा बना देते हैं अपन, है ना, टू सिलेंड्रिकल केन्स हैव इक्वल बेस एरियाज, अब देखो बेस एरिया इक्वल तो ऑब्वियसली बात है, रेडियस भी तो इक्वल होगी यार,
है ना, आर वन मत मानो, आर ही मानो, सिर्फ मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ आर ही माने आप, ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रखा है कि वन ऑफ द कैन इज 15 सेंटीमीटर हाई एंड अदर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये तो 20 सेंटीमीटर साफ दिख रहा है, ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, बात बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। पहले किसका निकालना है, छोटे वाले का, क्योंकि इसमें छोटा वाला पहले लिख रखा है, 15 सेंटीमीटर है एंड द अदर, ठीक है, तो मैं वी स्मॉलर अपॉन वी लार्जर कर दूँ, है ना, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज 15, ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर एच इज 20, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, इज योर 15/20, काटा पीटी मच जाएगी तो आ जाएगा 3/4, इजंट इट, तो रेशो कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 3:4 इज द आंसर, 3:4 इज द आंसर, करेक्ट है। इस तरीके से करना था, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जस्ट याद रखें पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, सोच के करना, आराम से सोच के करिए कि स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर टू दैट द कट आउट स्फीयर। अच्छा, स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमीस्फीयर, ठीक है, एक सॉलिड हेमीस्फीयर है, उससे अपने स्फीयर निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम का, ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है हेमीस्फीयर की, ठीक है, ये वाली चीज हो गई, ये चीज समझ में आ गई, ये स्फीयर मैंने काट दिया, है ना। अब देखो यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये वाला 7 हो जाएगा, इजंट इट, कलर चेंज किया जाए, कलर चेंज कर लेते, ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर टू दैट ऑफ द कट आउट स्फीयर, स्फीयर का और उसका निकालना है, ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ है ना, ये पूरा हेमीस्फीयर ही तो था, ठीक है, अंदर से कोई गोली निकाल ली अपने, गोला निकाल लिया, गोला, ठीक है। अच्छा, अब तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³, ठीक है, और वही हेमीस्फीयर की बात कर लेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3πr³, क्लियर है नहीं है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर अपन ये निकालना था, तो अब पटक दो ना यार, 2/3π मैं एक बार अपॉन में ले रहा हूँ, ठीक है, आर कितना है, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 का क्यूब कर दें, हाँ है ना, और स्फीयर में आ जाएगा आपका 4/3π, आर कितना कर दूंगा, 7/2 कर दूंगा, क्यूब कर दो, पाए से पाए तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7³/3 × 4 × 7³× 3 और × 2³, उल्टा पटक दिया पूरा, ऊपर ले गया हूँ मैं, समझ गए होंगे आप, आर मेरे ख्याल से 7³ से 7³ कट गया, ठीक है, ये देखो 4 है ना, ये कितना 8, तो 2 बच जाएगा, 3 से 3 भी कट गया, ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 4/1, तो दैट मीन्स आंसर कितना हो गया आपका, 4:1 इज द आंसर, 4:1 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना था कुछ इस क्वेश्चन को, इसे इजी इतने और सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, तो अपन ने कर लिया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ऐसा होता है ना भाई, एक आपको एक मैंने कोई आयरन की गोली दे दी, स्क्वायर दे दिया, मैंने बोला बेटा पिघला के इससे सिलेंडर बना ले इतने रेडियस का, ठीक है, तुम उतने रेडियस का सिलेंडर बनाओगे तो कुछ हाइट भी तो बनेगी, तो कभी हाइट पूछ लेते, कुछ ऐसा अननोन पूछ लिया जाता है ऐसी चीज में, मतलब आपको एक मेटल से दूसरे मेटल में दूसरी चीज में मोल्ड करना है, मोल्ड करते टाइम आपकी हाइट एंड रेडियस चेंज होगी, ठीक है, तो वो चेंज हो रही है, तो बस आपको यही पता करना है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, पढ़िए एक बार आराम से। क्या लिख रखा है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर दिस, स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल, उसके अंदर डाल दिया अपने, पार्शली फिल्ड विद वाटर, वाटर से पार्शली फिल्ड है, सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी डायमीटर 36 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। इफ द स्फीयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, अगर स्फीयर को पूरा अंदर डाल दिया, ठीक है स्फीयर ले लिया और इसकी डायमीटर भी 18 सेंटीमीटर दे रखी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, है ना। इफ द स्फीयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड एंड द वाटर लेवल राइजेस, वाटर लेवल कितना राइज करेगा वो निकालना है आपको, है ना। अब थोड़ा सा सोचिए कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लूँ, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³, ठीक है, बस ये चीज करनी है आपको, 4/3 πr³, ठीक है। देखिए अब अपन निकाल लेते हैं 4/3 π, है ना, पाई की वैल्यू एक बार अपन देखते भी हैं, ठीक है। एक चीज बताओ यार, थोड़ा सा सोचो कि कितना राइज होगा वाटर लेवल, जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, है ना। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, राइज हो जाएगा ना उतना, जितना वॉल्यूम है उतना राइज हो जाएगा, और क्या, सही है ना। तो 4/3 πr³ इज इक्वल टू πr²h, ठीक है, दोनों की रेडियस भी अलग अलग है, दोनों की रेडियस इसको R1 बोल देते अपन, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4/3 × 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू 18 × 18, ये सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो 18 × 18, और एच हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। बस कितना राइज हो रहा है, वाटर लेवल राइज इन, बोल यहाँ पे लिख दो वाटर लेवल राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। तो 9 9 यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 3। एच की वैल्यू देख रहे हो आप, कितना मिलेगा आपको, एच की वैल्यू कितना मिलेगा आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा ये भी तो कट गया यार, ये 2 × 2 = 4 से ये 4 कट गया, 3 बच गया, 3 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा बेटा, वाटर लेवल कितना राइज होगा, 3 सेंटीमीटर इज द आंसर, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस यही है यार, आपको बस फॉर्मूले याद होंगे, थोड़ा वो सोच लोगे तो आंसर बहुत आराम से कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ली खेला होगा ना बचपन में, शायद शहर में रहते तो ना खेला हो, बट गिल्ली कुछ इस तरीके से होती है ना, यहाँ से और अंदर से मारते हैं फिर शटा। द शेप ऑफ द गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, वाह क्या क्वेश्चन पूछा, किसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आपने गिल्ली दिखाओ तो बिल्कुल फ्लैट होता है सिलेंडर, और फिर यूँ नीचे चले जाते हैं, ठीक है, दिख भी रहा होगा साफ साफ, जिन्होंने नहीं खेला उनके लिए फिगर दे दिया है, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यार, ये वाली चीज क्या है, कौन है ये चीज भी क्या है, कौन है और ये चीज क्या है, सिलेंडर, यह सुनो, तो क्या बन जाएगा, 2 cones and 1 cylinder, 2 cones and a cylinder, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 cone और 1 cylinder है, बात खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप कीजिए, आई एम गिविंग यू द टाइम, क्या लिख रखा है वो तो देखो यार, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर एंड हाइट एच सेंटीमीटर जस्ट इंक्लूडेड द स्फीयर ऑफ डायमीटर, ठीक है भाई, इन दोनों को पिघला के मैंने एक स्फीयर बनाया, तो उसकी डायमीटर क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर एंड हाइट एच सेंटीमीटर, ठीक है भाई, एक राइट सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, मुझे ये बताओ, एच इज ग्रेटर देन 2 आर,
ठीक है, जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ठीक है, किस डायमीटर का स्फीयर इंक्लोज कर सकता है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, मोल्ड वोल्ड नहीं करना आपको, तो बस ये पता होना चाहिए कि इफ दिस इज अ सिलेंडर है ना, और इसकी रेडियस आर है और इसकी हाइट एच है। ठीक है, एक स्फीयर इंक्लोज कर रहा है तो उसकी सबसे मैक्सिमम डायमीटर क्या होगी, सबसे मैक्सिमम स्फीयर जस्ट इंक्लोज द स्फीयर ऑफ डायमीटर कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितनी हो जाएगी, थोड़ा सोचिए ना यार, एच के बराबर नहीं हो जाएगी क्या, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, ये ऊपर और नीचे टच भी कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से मानूँ तो ये आर आप एच तो नहीं बता सकते, ठीक है, और ये आर क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा तो जा ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा बड़ा तो जा ही नहीं सकता ना, हाइट वाइट तो गई साइड में। ठीक है, ये भी आर, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आर प्लस आर विच इज इक्वल टू टू आर सेंटीमीटर, टू आर सेंटीमीटर आप डाल सकते हैं। ठीक है, टू आर सेंटीमीटर ठीक है, टू आर सेंटीमीटर का स्क्वायर डाल सकते हैं, इससे डायमीटर का स्क्वायर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनादर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल, क्या क्वेश्चन है यार, एक बात बताओ यार, मैंने आयरन की वही बॉल ली और उसको पिघला दिया है ना, उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद उससे मैंने कोन बना दिया, सिलेंडर बना दिया, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी क्या, आयरन तो उतना उतना ही है ना, आयरन तो उतना उतना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिमेन अनमेल्टेड हो जाएगी। ठीक है, आपकी चेंज नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार इसको, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करना। देखो क्या लिख रहा है, थ्री क्यूब्स ऑफ आयरन एज आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, वो भी तीन क्यूब है, क्यूब देखें कभी, ठीक है, थ्री क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कीजिए कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो थ्री क्यूब्स में बता देता हूँ यार, थ्री क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एजेस आर दिस आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड सिंगल क्यूब, एक सिंगल क्यूब बनाया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब, है ना। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ये पता है कि नहीं पता है। ठीक है, अगर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, है ना। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब इज ए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, ये सुनो। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सोचें आप इन सब की, तो ये 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी एक सिंगल जब बनाओगे, तो मान लो कि इसकी साइड एल हो गई तो एल क्यूब हो जाएगी। ठीक है, बस अब आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है यार, ये 6 क्यूब होता है 216 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू एल क्यूब, 512 सो एल क्यूब आ जाएगा 1728 और विच इज इक्वल टू किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ये वाली बात हो गई, है ना, एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या हो रहा है। अ मेटल शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड आई थिंक इज मेल्टेड इनटू क्यूब,
आई थिंक लिखा है 1 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक, मोटाई उसकी 1 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड इन टू अ क्यूब, क्यूब में मेल्ट कर लिया, द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू साइड्स, दोनों सॉलिड के सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस निकालना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट की बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 2 into LP into LH, ये वाली बात कर रहा हूँ ना, 27 into 8 plus 8 into 1 plus 27 into 1, ठीक है, ये हो जाएगा 8216 plus 35, देख लेना यार, मल्टीप्लाई कर पूरा गया ना, ये 8 और 27 35 हो गया और ये 216 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 502 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस शीट को मेल्ट करके आपने क्या बनाया, क्यूब बनाया, ठीक है। तो पहली बात तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगी, शीट क्या होगी, क्यूबॉइड की शेप की होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यस और नो, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज योर साइड क्यूब, क्यूब बनाया ना आपने तो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 27 into 8 into 1 विच इज इक्वल टू 216, अभी किया ना, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ क्यूब इज योर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब निकाल लिया आपने, वो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, डन, साइड ऑफ क्यूब इज योर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो अभी इतना साइड है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा सोचो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा अगर वो 6 आई है, ठीक है, 6 square into 6 है ना, एक साइड का 6 square तो इंटू 6 करो तो 6 square आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक का 502 आ रहा है, एक का आ रहा 502, एक का आ रहा 216, तो कितना बच जाएगा आपके पास 286 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, करेक्ट है ना, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कंटेन टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या क्या करते हैं, ओपन देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अपन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 6 into 12 into 15 विच इज इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब, ठीक है, साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब आप देखें वो कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ ये आपने पढ़ा होगा ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास में ही फर्स्ट चैप्टर में यही पूछा जाता है, ठीक है, इनका एचसीएफ, और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज योर 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज 6 into 12 into 15 देन है, ठीक है, अपॉन 27, सॉल्व कर को रहा दोगे ना अब इसको 40 क्यूब्स आ जाएंगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्या लिख रखा है पहले उस पर ध्यान दें, कि अ रिवर इतनी मीटर डीप है और 36 मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है, इतनी रेट से फ्लो हो रहा है ना, तो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट में निकालना है, तो अपन ये बात करते हैं कि पहले लेंथ ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर पर मिनट क्या होगा वो देखें, तो 35 into 1000, ठीक है, अपॉन 60 into 10, है ना,
हाँ है ना, ये मिनट में कर दूँगा इसको। ठीक है, अब अपन निकालते हैं अमाउंट या वॉल्यूम भी बोल दो, वरना तो सेम थिंग है ना, अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स, क्वेश्चन में रन्स लिख रहा है, दैट रन्स इनटू द सी। ठीक है, पर मिनट, इनटू द सी पर मिनट। ठीक है, वो कितना हो जाएगा वो देख, 15 × 36। ठीक है, इनटू 35 × 100 अपॉन 60 × 10, यस और नो, विच इज इक्वल टू 3150 मीटर क्यूब। ठीक है, 3150 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 15 × 36 × 35 × 100 upon 60 × 10, 3150 मीटर क्यूब इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचें इस क्वेश्चन के बारे में भी, इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं है। ये अ कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 300 बीटन एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर, बढ़िया, कॉपर स्फीयर। ठीक है, स्फीयर मतलब 4/3 πr³ इज ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ डायमीटर, वायर ऑफ डायमीटर मतलब डायमीटर है तो सिलेंड्रिकली बनेगा और क्या, और सिलेंड्रिकल कितना हो जाएगा, पाई आर सी कर रहा हूँ और एच सी कर लेते हैं। ठीक है, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 4/3, स्फीयर की रेडियस कितनी है 3³। ठीक है, अब डायमीटर सिलेंडर की जो डी सी कर रहा हूँ मैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 0.1 का होल स्क्वायर और ये एच सी। ठीक है, ये एक कट के स्क्वायर आ जाएगा 4 × 9 upon 0.1 × 0.1, है ना, ये आ गया हाइट। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा एक्चुअली, क्योंकि 3 सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते, देख लो ना, 4 × 9 ये क्या लिखा होगा। ठीक है, यहाँ से कट गया तो ऊपर 100 आ गया, ये सुनो। ठीक है, इनटू 100 hc। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 36 मीटर, कर दो डायरेक्टली सेंटीमीटर में, 36 मीटर इज द आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा सोच सोच के ऐसे ही करने होते हैं और कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं करना। द नंबर ऑफ पॉइंट्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर 3 टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, बढ़िया। ठीक है, देखो करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज पाई इंटू, ठीक है, 1.5 upon 2 × 1.5 upon 2। ठीक है, सिलेंडर ही है ना ये, समझ में आ गया, और 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है ना क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई इंटू 4.5 upon 2 × 4.5 upon 2। अच्छा, सिलेंडर बनाया ना, इससे तो दोनों की वॉल्यूम निकाल दी, और 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ कॉइंस निकालने हैं आप, तो नंबर ऑफ कॉइंस निकालोगे तो पाई इंटू 4.5 upon 2 × 4.5 upon 2 × 10 upon pi upon 1.5 × 2 1.5 × 2 और 0.2, विच इज इक्वल टू 450 आ जाएगा क्या, पाई से पाई कट गया है ना, ये कितना था 10 upon 2, 100 हो गया है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये टू। ठीक है, ये 15 15, ये तीन। ठीक है, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो बिल्कुल 450 कॉइन्स आ गया, 450 कॉइन्स से इतनी चीज़ें हो जाएंगी आपकी कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा करके देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। द डायमेंशन ऑफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड आर दिस, ये क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, इसको 100 सेंटीमीटर बोल देते हैं, इसको 80 सेंटीमीटर बोल देते हैं, इसको 67 सेंटीमीटर बोल देते हैं। इट इज मेल्टेड इन रिकास्ट इनटू अ क्यूब, इसको मेल्ट कर दिया और वापस एक क्यूब बनाया बड़ा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब,
कुछ खास नहीं है यार। ठीक है, अब आप देखें कि पहली बात, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 100 इंटू 80 इंटू 64 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, ये सुनो। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में तो है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। 64 ये भी क्यूब है, ये 80 गड़बड़ करवा रहा है ना, है ना। इससे तो माता बच्ची हो जाएगी अपने साथ बहुत। तो ए की वैल्यू 10, हाँ ये वाला 0 इसको दे दो 2 मिनट के लिए, तो 1000 हो गया ये। सही है, 1000 का 10, इसका 2 इंटू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a² दैट मीन्स 6 इंटू a² मतलब 80 स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 80 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। डन है, डन। ठीक है, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं, पता है ना फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास ये कोई कोन है ना, मैंने इसको यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बन जाएगी, ऊपर वाला तो छोटू कोन, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो आपका क्या बनेगा, फ्रस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रस्टम, इसको बोलते हैं अपन फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द शेप ऑफ द ग्लास इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ, साफ साफ दिख रहा है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये पड़ी वही रहे हैं ऑब्वियसली बात है, और वैसे भी याद रहना चाहिए, दिख रहा है ना एक ऊपर है और एक नीचे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलूंगा तो कोन बन जाएगा, देखो कोन बन रहा है ना, बस यही ऊपर का बचा हुआ है तो फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े कुछ आई थिंक ऐसे ही हैं क्वेश्चन, कुछ फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इनको। द शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, शटल कॉक देखिए ना, ऐसी होती है शटल कॉक। ठीक है, यहाँ पर पंख लगे होते हैं मुर्गी के, नीचे स्फीयर, ये सॉलिड पार्ट होता है जिसको अपन मारते हैं कस कस के, है ना, ये आपका सॉलिड पार्ट होता है पूरा। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये फ्रस्टम ऑफ कोन बन रहा है कि, अगर ये ऊपर की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से चलती है, फ्रस्टम ऑफ कोन बन रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक आपकी फ्रस्टम की। ठीक है, दिस वन इज वॉट, दिस वन इज वॉट योर हेमिस्फेयर, है ना। तो अ सिलेंडर फ्रस्टम ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक फ्रस्टम ऑफ कोन भी आ गया और एक हेमिस्फेयर भी आ गया, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड देन द कोन दैट इज फॉर्मड ऑन वन साइड ऑफ दैट कोन ऑफ दैट प्लेन इज रिमूव द न्यू पार्ट ऑफ द लेट ओवर द अदर साइड ऑफ द प्लेन। ये वही क्वेश्चन है ना, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ने आपको बता दिया। ठीक है, कि कोई अगर कोन है इस तरीके से और इसको मैंने यहां से उड़ा दिया, ठीक है, तो ये एक कोन बन जाएगा और ये वाला एक पार्ट बन जाएगा, इसको अपन फ्रस्टम ऑफ कोन बोल देंगे। ठीक है, यही पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब थ्योरेटिकल है ना, सब थ्योरेटिकल है। इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस, इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस। ऑब्वियस बात, अगर राइट सर्कुलर कोन की बात करूंगा तो ये ही आपका राइट सर्कुलर कोन। तो ठीक है, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, है ना। तो मतलब लेट सपोज मैंने इसको यहां से उड़ा दिया यूं करके, बिल्कुल पैरेलल टू बेस के, तो ये क्रॉस सेक्शन क्या आएगा आपका, ऑब्वियस एक सर्कल ही आएगा ना, क्रॉस सेक्शन इज द सर्कल। ठीक है, सो आंसर इज योर सर्कल। नेक्स्ट, द स्लाइंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर।
if the distance between the radii of the two circular ends is 4 cm, matlab r1 minus r2 is equal to 4 cm de rakha hai. Theek hai, aur slant height of the frustum of cone is 5 cm, slant height hoti hai apna root of h square. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है. मतलब अगर मैं फ्रस्टम ऑफ कोन ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन बनाया तो दिस इज योर स्लैंट हाइट, ठीक है, दिस इज एंड दिस इज योर स्लैंट हाइट, ठीक है. तो यहां से कितना आ जाएगा, एर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये दे रखा है आपको 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में चल रहा है. दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है. अब इतने से क्वेश्चन के आपको कुछ करना ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बराबर कर लेते हैं. अ फार्मर वॉन्ट्स टू डीग अ वेल इधर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ठीक है, ऑफ डायमेंशन, ठीक है. एल इज इक्वल टू 1 मीटर, B is equal to 1 meter and H is equal to 7 meter. ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते, विच इज इक्वल टू एल बी एच, विच इज इक्वल टू 7 m³, ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर डायमीटर 1 मीटर एंड 7 cm, 7 मीटर. या तो वो क्यूबॉइड की फॉर्म में खोदे और इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. द रेट ऑफ डिगिंग द वॉल इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिग बोथ द वॉल्स, ठीक है. अच्छा, इसका निकालते पहले, क्यूबॉइड की बात चल रही है अपनी, है ना. अच्छा, अब इसका कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना हो जाएगा, 500 1 m³ का, तो 7 m³ का कितना आ जाएगा, 3500 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है. अब बात करते हैं, अब जो सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस, ठीक है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, 0.5 मीटर, 1/2 मीटर कर दो, ठीक है. एच कितना दे रखा है, इसमें भी 7 मीटर दे रखा है. वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच, विच इज इक्वल टू 5.5 m³, है ना. दिख रहा है ना यार, 7 से 7 कर गए, 4 × 10 5.5 ही आएगा ना, ठीक है. अब इसका भी कॉस्ट निकाल दें, कॉस्ट आ जाएगा 5.5 × 500, ठीक है, 55 × 5 275, ठीक है, 2750 rupees, isn't it, ठीक है, 2750, और ये आ जाएगी 3500. दोनों के आंसर आपने निकाल चुके हैं, ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, लक लक बधाइयाँ हो, मिठाई बांटो मोहल्ले में. अपन ने सरफेस एरिया में वॉल्यूम भी कर लिया है, कल बात करेंगे अपन स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है. तो कल अपन 2 PM कैलकुलस के क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं, ठीक है. कैलकुलस का जो पहला चैप्टर मैं उठा रहा हूँ, वो उठा रहा हूँ मैं रियल फंक्शन, ठीक है. एंड द 6 PM इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे पार्ट वन. इसको भी मैंने 2 पार्ट में लिए, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इसलिए, ठीक है. तो दिस इज माय रेफरल कोड, 10% का डिस्काउंट इससे आपको मिल जाएगा, है ना. चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है. चलो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट बोथ, बाय बाय. शुभ रात्रि, शुभ आगे.